गोखरू, जिसको हम गोक्षुर के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा कि ये यूरिनरी सिस्टम्स के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि बार बार पथरी बनना, चाहे वो किडनी में बनती हो, चाहे यूरेटर में बनती हो, चाहे ब्लैडर में बनती हो, या फिर बार बार पेशाब होने में दिक्कत होना, जिसको हम डिसयूरिया भी कहते हैं, उसमें तो काम करता ही है। उसके साथ साथ जिन स्त्रियों में बार बार गर्भपात होने की समस्या होती है, या फिर जिन कपल्स में जो संतान है वो उत्पन्न नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, जैसे कि स्त्रियों में बार बार गर्भपात होने की वजह से, गर्भाशय जो है कमज़ोर होने की वजह से, या फिर पुरुषों में जो स्पर्म काउंट है वो कम होने की वजह से, या फिर कुछ ऐसे शरीर में चेंजेस होते हैं जैसे कि वात रोग बढ़ गया है, या फिर नाड़ी जो है हमारी दुर्बल हो गई है, उसके साथ साथ ये शरीर में ताकत भी देता है। जो दुर्बल पुरुष होते हैं, जिनके शरीर में ताकत नहीं होती है, वात रोग बढ़ गया है, तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तो आज इसी विषय में कि गोक्षुर हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है और हमें उसको किसके साथ कितनी मात्रा में कब कब लेना चाहिए कि जिससे कि उसका हमें भरपूर लाभ मिल सके, हम उसी बारे में आज चर्चा करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका लैटिन नेम क्या होता है। इसको हम ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस कहते हैं। इसका रस मधुर होता है। इसका गुण गुरु और स्निग्ध होता है। गुरु मतलब ये पचने में थोड़ा भारी होता है, स्निग्ध मतलब ये शरीर में चिकनापन लाता है, और जो इसका वीर्य है वो शीत होता है। तो इन्हीं अपने रस गुण वीर्य के कारण ये शरीर में जो बढ़े हुए वात और पित्त दोष होता है उसका शमन करता है। तो जितने भी वात और पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। आयुर्वेद में चरक संहिता में इसको मूत्र कृच्छ अनिल हरणाम कहा गया है। मतलब ये मूत्र कृच्छ मतलब जो डिसयूरिया होता है, जिसमें बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है पर पेशाब रुक रुक के होती है, पेशाब करते समय दर्द जलन भी होती है, और कभी कभी बहुत मुश्किल से थोड़ी सी ही बूंद बूंद पेशाब होती है, तो उस समय और या फिर जो बड़ा हुआ जो वात दोष है कि जिसमें हमारे शरीर में दर्द होता है, जो हमारी नाड़ियां हैं वो दुर्बल हो गई हैं, वो पेनफुल हो रही हैं, तो उस समय गोक्षुर को बेस्ट माना गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसमें कैसे इफेक्ट दिखाता है। तो यूरिनरी सिस्टम में इसके लिए कहा गया है कि अश्मरिग्न है, मीन्स स्टोन जो बन गया है, चाहे वो किडनी में बन रहा हो, चाहे यूरेटर्स में बन रहा हो, जो मूत्र की नली होती है उसमें बन रहा हो, या फिर ब्लैडर में बन रहा हो, कहीं भी स्टोन है, तो अश्मरिग्न गुण के कारण, स्टोन को तोड़ने के गुण के कारण ये स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है और उसको स्टोन को बार बार होने से रोकेगा और उसको बाहर भी निकालेगा। तो इसके लिए हमें जो ये गोक्षुर है अश्मरिक्न करने के लिए, जो उसके गुण के कारण हमें गोक्षुर के जो फल है उसका चूर्ण या फिर गोक्षुर की गोली आती है उसको हमें दो दो गोली की मात्रा में सुबह शाम, या फिर अगर हम चूर्ण ले रहे हैं तो उसको 1 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ 2 से 3 बार लेने से जो स्टोन फॉर्मेशन है, बार बार जो स्टोन बनने की दिक्कत हो रही है, उसको ठीक करेगा और स्टोन को भी निकालेगा। उसी तरह से मूत्र कृच्छ के लिए, जैसे मैंने बताया कि जिसमें बार बार यूरिन करना की इच्छा होती है, या फिर थोड़ा थोड़ा करके बहुत दर्द के साथ यूरिन निकलती है और उसमें जलन भी होती है, तो उस समय ये बेस्ट आपका देखा गया है इसका रिजल्ट। क्योंकि ये जो मूत्राशय होता है, जो ब्लैडर है या फिर जो मूत्र की नली है, उसके विकारों का शमन करता है। ये वात और पित्त जैसे मैंने बताया कि उसको कम करता है, तो वहाँ पे जो ये बेसिकली उसी के कारण ये हमें दिक्कत आती है, जब शरीर में वहाँ पे वात और पित्त दोष बढ़ जाते हैं तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो ये उसके वात और पित्त का शमन करने के कारण ये वहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। इसके लिए हम इसका चूर्ण भी ले सकते हैं 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, हम इसको गोली की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसका काढ़ा भी आता है जिसको हम 15 से 30 ml की मात्रा में
आप खाली पेट लीजिए पानी के साथ, तो आपका जो मूत्र कृच्छ की जो प्रॉब्लम है, डिसयूरिया की जो प्रॉब्लम है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसी तरह से ये जो ब्लैडर है, उसका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है आपका, उसका कंट्रोल को भी बढ़ाता है। आप अक्सर आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पर्संस होते हैं या फिर जिनको सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ब्लैडर में आपका सूजन आ जाती है, तो क्या होता है कि जैसे ही ब्लैडर में यूरिन आता है तो क्या होता है कि यूरिन पास करने की इच्छा होती है। तो उस समय अगर हम गोक्षुर का यूज़ करें तो उसमें ये बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाता है कि बार बार जो यूरिन पास करने की जो समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको भी ये ठीक करता है। तो इन सब में आप क्या करिए कि जो काढ़ा है उसको 15 से 30 ml की मात्रा में खाली पेट लीजिए सुबह शाम, या फिर आप गोली का भी यूज़ कर सकते हैं, दो दो गोली की मात्रा में आप सुबह शाम लीजिए खाना खाने के बाद, या फिर आप चूर्ण भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यह जो है स्त्रियों में बहुत ही लाभकर माना गया है, स्त्रियों में और पुरुषों में भी, क्योंकि ये क्या होता है कि जिन स्त्री पुरुष को संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, तो स्त्रियों में क्या करता है कि जो गर्भधारण की टेंडेंसी होती है उसको बढ़ाता है, गर्भ का जो यूट्रस है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसका पोषण करता है। तो जिन स्त्रियों में बार बार गर्भपात होने की दिक्कत हो रही है, मतलब वो कंसीव तो कर रही हैं बट बार बार उनका मिसकैरेज हो रहा है, तो उस समय, या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, दुर्बल है, तो उस समय भी ये बहुत अच्छा इसका रोल होता है, क्योंकि ये गर्भधारण में हेल्प करता है और गर्भ का पोषण भी करता है। तो उस केस में अगर स्त्रियां, जिस केस में कि स्त्रियां संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, उनका यूट्रस कमज़ोर है या फिर बार बार गर्भपात हो रहा है, तो उस केस में आप इसको 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सुबह शाम लेंगे तो आपका जो यूट्रस है वो बहुत आपको सपोर्ट करेगा और इसमें इसका रिजल्ट भी देखा गया है। उसी तरह से बार बार गर्भपात होने की समस्या होने के कारण, या फिर जिन स्त्रियों ने अभी DNC कराया है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा जो यूट्रस है वो कमज़ोर हो जाता है या फिर वहाँ पे पेन होने लगता है। तो उस केस में अगर यूट्रस आपका कमज़ोर हो रहा है या फिर पेन हो रहा है वहाँ पे, तो उस केस में जो गोक्षुर है उसके फल का चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में, और आप काली किशमिश मिलती है उसको भी 5 ग्राम की मात्रा में, और फिर इसके साथ 2 ग्राम की मात्रा में मुलेठी लेके इन सबको एक साथ पीस के आप रख लीजिए। उसके बाद सुबह शाम इसको पानी के साथ खाना खाने के बाद लेने से आपकी ये जो समस्या है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। उसी तरह से शुक्र धातु को के ऊपर भी ये काम करता है, तो इसलिए इसको आयुर्वेद में वृष्य भी कहा गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किन्हीं जो हमारे भाई लोग होते हैं कि शुक्र धातु कम होने के कारण वो संतान उत्पत्ति में उतना इम्पॉर्टेंट रोल उनका प्ले नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं कि इस केस में कि जिस समय जो हमारा जो सीमन है उनका, तो वो कम है, उसका लेवल कम है या फिर मोटिलिटी कम है, तो उस केस में, क्योंकि ये शुक्र धातु के ऊपर भी काम करता है, तो उस केस में आप गोक्षुर के फल का चूर्ण शतावरी के साथ 5-5 ग्राम की मात्रा में लेके इसको 250 ml दूध के साथ उबालना है। 5-5 ग्राम की आपने मात्रा ले ली दोनों की, गोक्षुर के फल के चूर्ण की और शतावरी की, इसको आपको 250 ml मात्रा जो दूध की है उसमें उबालना है। फिर उसके बाद उबाल के आप छान लीजिए, फिर उसके बाद सुबह शाम इसको पीजिए, तो ये जो शुक्र धातु है वो भी बढ़ेगा और शरीर भी हृष्ट पृष्ट होगा, मीन्स हेल्दी होगा, अच्छा होगा, तो जिससे कि जो संतान उत्पत्ति में जो बाधा हो रही है वो ठीक हो जाएगी और एक अच्छा सा आपका जो है संतान उत्पत्ति होगी। उसी तरह से ये शरीर में जो बड़ा हुआ वात होता है उसमें भी हेल्प दिखाता है। इसको आयुर्वेद में वेदना शामक भी कहा गया है। जैसे अभी मैंने बताया चरक संहिता में अनिल हरणाम भी कहा गया, अनिल हरणाम मीन्स वायु का शमन करने वाला, क्योंकि जैसा अभी बताया कि गुण में इसको गुरु और स्निग्ध माना गया है। गुरु और स्निग्ध मतलब कि शरीर में ये गुरुता और स्निग्धता उत्पन्न करता है, उस वजह से ये शरीर में जो बड़ा हुआ वात दोष है,
कि जिसके कारण वात दोष के कारण जो वेदना हो रही है, जो दर्द हो रहा है, तो उसको कम करता है। उसके साथ साथ नाड़ी में भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। जो नाड़ी में दुर्बलता हो गई है, मतलब जो हमारी पेन, हम कुछ पेशेंट होते हैं बोलते हैं कि शरीर में दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ जो हमारी जो नर्व्स हैं वहाँ पे फड़कन हो रही है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ खिंचाव हो रहा है, तो उस केस में जब शरीर में दर्द भी हो रहा होता है और नसों में भी उसका इफ़ेक्ट दिखता है कि नसों में भी पेन हो रहा है, वहाँ पर फड़कन हो रही है, तो उस समय यह बेस्ट माना गया है। आयुर्वेद में गोक्षुर को उस समय बेस्ट स्थान दिया गया है। तो जितने भी हमारे वातनाशक जो औषधियाँ हैं उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए गोक्षुर के फल का चूर्ण और सौंठ समान मात्रा में 10-10 ग्राम की मात्रा में ली कि आप इसको 400 ml जो पानी है उसमें उबालिए। तब तक उबालिए जब तक ये एक चौथाई ना हो जाए। फिर जब ये एक चौथाई हो जाता है, आप इसको थोड़ी देर रखे रहिए, फिर छान के आप इसको सुबह शाम लीजिए, तो ये बहुत अच्छा इसमें इफ़ेक्ट दिखाता है। उसी तरह से आयुर्वेद में इसको बल्य कहा गया है। बल्य मतलब जो शरीर में ताकत देता है, जो दुर्बलता, जो वीकनेस आ रही है उसको कम करता है। तो वीकनेस कम क्यों करता है, क्योंकि यह अपने जो गुण है गुरु और स्निग्ध होने के कारण ये क्या करेगा, वात का नाश करेगा और कफ को बढ़ाएगा। तो क्या करेगा, तो जो मांस और जो मेध धातु है उस पर इफ़ेक्ट दिखाता है। मांस और जो मेध धातु हैं उनको नरिश करता है, इसीलिए इसको बल्य कहा गया है। तो इसके लिए आप जो गोक्षुर के फल का चूर्ण है वो आधे चम्मच की मात्रा में या फिर टीस्पून की मात्रा में, और जो अश्वगंधा है उसको भी 1 teaspoon की मात्रा में लेके, दोनों को समान मात्रा में लेके सुबह शाम आप दूध के साथ सेवन करेंगे तो आपका शरीर हेल्दी होगा और जो है आपके शरीर में बल मिलेगा। आप जो है थोड़ा सा अपने आप को जो है, क्योंकि मांस और मेध धातु पर काम करता है, तो थोड़ा सा जो दुर्बल लोग होते हैं, जो लीन पर्सन होते हैं, जो पतले होते हैं, वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं। तो गोक्षुर जो है वो मार्केट में बहुत फॉर्म में मिलता है, जैसे इसका चूर्ण भी मिलता है, इसका काढ़ा भी मिलता है, इसका गुग्गुल भी मिलता है, और जो दशमूला रिष्ट जो बहुत फेमस है, दशमूला रिष्ट में 10 मूल डाले गए हैं, उसी में से जो गोक्षुर है उसका भी मूल इसमें इंक्लूडेड है। तो जो दशमूला रिष्ट है उसमें भी गोक्षुर का मूल डाला गया है। तो ये जो दशमूला रिष्ट है ये भी वात और पित्त जो फैक्टर होता है बॉडी में बढ़ा हुआ, उसको भी कम करता है, तो इसी कारण से ये कम करता है। तो आज हमने गोक्षुर को, पहले जो हम समझते थे कि ये यूरिन के प्रॉब्लम में, जो यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसी में इफ़ेक्ट दिखाता है, बट ऐसा नहीं है। गोक्षुर के बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं अदर, जो हम नहीं जानते थे। तो आज इस टॉपिक में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि वो अदर कौन कौन से ऐसे मेन जो डिजीज़ हैं जिसमें हम, या फिर कुछ और क्या कारण है जिसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हो, किसी टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिए। आप हिमान आयुर्वेदा से जुड़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।